हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका वन सीरीज ऑफ क्लास चैप्टर चैप्टर नंबर बायो मॉलिक्यूल्स 2021 के टी एग्जाम में आने वाला है और इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली तीन से चार एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। सो so, इस चैप्टर को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हमको चार बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन एन्जाइम्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सो बहुत ही सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है इसको पढ़ने में मज़ा आएगा और इसका ये वन शॉट जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं आपके केमिकल एलिमेंट्स तो केमिकल एलिमेंट्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हेल्प मिलती है उसको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फरस ऐसे बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ आसान हो जाती है और इसी एलिमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं देखो इधर इंट्रोडक्शन में भी आपको क्या बताया है कि हमारे प्लान में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर प्लांट एनिमल फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं क्या क्या और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज के प्रोटोप्लाज्म में हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल देखने को मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री पहले इस चैप्टर का नाम क्या होता था बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल बायो केमस्ट्री का मतलब क्या होता था बायोलॉजी में केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है सो बेसिकली इज द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अस द ऑफ ऑफ केमिस्ट्री लिविंग एंड बेसिस फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोबियल सेल्स मतलब अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स के वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजह से वाटर बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के वजह से कार्बन मोन

केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू मतलब क्या बोला गया है ये जो केमिकल एलिमेंट्स है ये केमिकल एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैली दो टाइप के होते हैं ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक होता है माइक्रो मोलिक्यूल और एक होता है माइक्रो मोलिक्यूल माइक्रो मोलिक्यूल मतलब क्या होता है वेरी स्मॉल मोलिक्यूल और माइक्रो मोलिक्यूल मतलब क्या होता है कंपेरेटिवली लार्जर मोलिक्यूल कंपेरेटिवली लार्जर मोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है इसको हम मोलिकुलर वेट के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं मोलिकुलर वेट के हिसाब से सो माइक्रो मोलिक्यूल्स के तीन एग्जाम्पल हमको बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स और माइक्रो मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कम है इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल बताया गया है लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सो लिपिड माइक्रो मोलिक्यूल में आता है कार्बन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स ये माइक्रो मोलिक्यूल में आते हैं ओके okay? तो देखो इधर आपको क्या बताया गया है सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट इज विच आर मेड अप ऑफ सिंपल मोनोमर्स मतलब सिंपल मोनोमर्स से मिलके आपका एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलीमर बनता है समझो ये एक मोनोमर ये दूसरा मोनोमर ये तीसरा मोनोमर जब आप दही हंडी बनाते हो तो दही हंडी में कैसे नीचे आपके चार लोग खड़े होते हैं फिर इसके ऊपर तीन लोग फिर इसके ऊपर दो लोग और फिर इसके ऊपर एक लोग तो ऐसे ही ये बहुत सारे ये सिंगल सिंगल इंडिविजुअल है ना एक सिंगल इंडिविजुअल को हम मोनोमर बोलते हैं लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको हम पॉलीमर बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर पॉलीमर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मोनोमर्स सो ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स हैं जिनके वजह से हमको माइक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि अपना कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किससे बना है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल शुगर्स और जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड्स का दूसरा नाम है प्रोटीन्स एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का दूसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड्स सो अवर कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ मोनोसाइक्राइड्स अवर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अवर न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब देखो क्या बोला गया है हमारा जो शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट ये किससे बनता है बेटा ये बनता है मोनोसाइक्राइड से यानी सिंपल शुगर से सिंगल सिंगल शुगर से ठीक है फिर प्रोटीन्स प्रोटीन्स किससे बनता है इट इज अप ऑफ अमीनो एसिड्स फिर बात आती है न्यूक्लिक एसिड की सो so, न्यूक्लिक एसिड्स किससे बनता है इट इज अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये किससे बनते हैं से समझ में आ रही है बात फिर इसी तरीके से हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे लिपिड लिपिड आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स किससे बनते हैं फैटी एसिड से लेकिन इन तीनों के कंपेरिजन में ये मॉलिक्यूल काफी ज्यादा हल्का होता है काफी ज्यादा लाइट होता है इसीलिए लिपिड को हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं और ये तीनों कंपोनेंट को हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं मैक्रो मतलब बड़ा हमेशा याद रखो so lipids are water insoluble and small molecular weight compounds as compared to macromolecules so lipid are micromolecule and our carbohydrates proteins and nucleic acids are macromolecules micro or macro yad अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले के बारे में दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है शुगर यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीन मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के ठीक है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है वाटर में कैसे हाइड्रोजन का रेशियो टू होता है तो ऑक्सीजन का रेशियो वन होता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स में भी वाटर का जो रेशियो है वही रेशियो में हमको कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखने मिल रहा है मतलब अगर 12 हाइड्रोजन है तो 6 ऑक्सीजन होगा मतलब जितना हाइड्रोजन उसका हाफ ऑक्सीजन तो जो रेशियो वाटर में देखने को मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वैसा ही रेशियो हमको कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखने को मिलता है जो रेशियो वाटर में देखने को मिलता है वैसा ही रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स क्यों यूज करते हैं हम उसमें से एनर्जी ऑप्टेन करने के लिए शुगर यूनिट्स के नंबर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स सैक्राइड्स पॉलीसैकेराइड्स मोनो मोनो मतलब क्या होता है सिंगल शुगर डाय मतलब दो शुगर और पॉली मतलब मेनी शुगर देखो इधर पे आपको ये टेबल दिया है बायो मोलिक्यूल्स का सो बायो मोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा होता है और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है ऑर्गेनिक में आते हैं आपके दो एग्जाम्पल एक माइक्रो और एक माइक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल्स के तीन एग्जाम्पल हैं पोलीसैक्राइड्स यानी शुगर्स पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स एंड पोली न्यूक्टाइड्स यानी आपका डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स सो दिस इज माइक्रो का एग्जांपल माइक्रो में आता है आपका लिपिड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल को अच्छे से काम करने में हेल्प करने के लिए अब देखो आपके कार्बोहाइड्रेट के शुगर नंबर के बेसिस पे क्या बोला मैंने शुगर यूनिट्स का जो नंबर होता है उसके बेसिस पे तीन टाइप का कैटेगरी बताया गया है पहला होता है मोनोसैकेराइड दूसरा होता है डाय तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड मतलब वन शुगर मोनो मतलब क्या होता है बेटा मोनो मतलब वन और सैकेराइड का मतलब क्या होता है शुगर सो मोनोसैकेराइड मतलब वन शुगर डायसेकराइड मतलब टू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीसैकेराइड मतलब मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स अब अगर मैं ये वन शुगर की बात कर रही हूँ सो so ये जो वन शुगर है ये कितने भी कार्बन से बन सकता है ये कितने भी कार्बन से बन सकता है अगर ये तीन कार्बन से बना है तो इसको बोलेंगे ट्रायोस शुगर अगर चार कार्बन से बना है तो टेट्रोस पाँच कार्बन से बना है तो पेंटोस छः कार्बन से बना है तो हेग्जोस हमेशा याद रखो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के आगे कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के आगे हम एंडिंग में ओ एस ई लगाते हैं जैसे एंजाइम में कैसे हम ए एस ई लगाते हैं सेल्यूलेज अमाइलेज एंजाइम में कैसे ए एस ई लगाते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ओ एस ई लगाते हैं सो so, अगर तीन कार्बन का शुगर है तो ट्रायोस पांच कार्बन का शुगर है तो पेंटोस कार्बन का शुगर है तो हेक्सोस, सात कार्बन का शुगर है तो हेप्टोस। आपको इसके सारे एक एक एग्जाम्पल याद रखना है सी टी में आ सकता है फिर बारी आती है डायसाइक्राइड्स की डायसाकराइड्स मतलब दो मोनोसाइक्राइड्स मतलब समझो ये एक शुगर मॉलिक्यूल है ये एक शुगर मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड कैसे बनता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब आप इन दोनों शुगर को जब एक साथ जोड़ोगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये जो बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड बॉन्ड को हम बोलते हैं, हैं so, मतलब ग्लाइकोसिडिक है। दो शुगर से बना है माल्टोज दो शुगर से बना है सो so, डायक्राइड मतलब दो शुगर यूनिट्स और पॉलीसैक्राइड मतलब क्या होता है मेनी शुगर यूनिट्स लाइक स्टार्च सेल्यूलोस ग्लाइकोजन पर पोलीसैक्राइड में आपको क्या याद रखना है बेटा पोलिसैक्राइड्स दो टाइप के होते हैं एक होता है होमोपोलीसैक्राइड एक होता है हेट्रोपोलिसकेड होमोपोलीसैक्राइड मतलब क्या होता है जिसमें सारी की सारी सिंगल शुगर्स जो होती है वो एक ही टाइप की होती है मतलब ग्लूकोज 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 से अगर कोई कंपाउंड बनाए तो उसको बोलेंगे होमोपोलीसैक्राइड होमो मतलब क्या होता है सेम मॉलिक्यूल और हेट्रोपोलीसेक्राइड मतलब क्या होता है हेट्रो मतलब डिफरेंट शुगर्स या डिफरेंट कंपाउंड्स सो पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल मिलकर कोई एक पॉलिसैक्राइड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रोपोलीसेक्राइड जिसका एग्जाम्पल है हेलो एसिड ये हमको स्पर्म में देखने को मिलता है हेलो एसिड हमको स्पर्म के एक्रोजोम में देखने को मिलता है हिपैरिन ब्लड ग्रुप सब्सटेंस ये सारी जगहों पर हमको हेट्रोपोलीसैक्राइड देखने मिलते हैं ठीक है ओके okay, तो चलो सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसैक्राइड्स के बारे में अब तक आपको सब समझ में आया है ऑल राइट right. ऑल राइट right, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली शुगर दैट इज मोनोसैकेराइड्स की मोनोसैकेराइड्स का हमने मतलब क्या बोला मोनो मतलब वन और सैकेराइड मतलब क्या होता है सैकेराइड मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल सो मोनो मीन वन एंड सैकेराइड मीनस शुगर मॉलिक्यूल तो मोनोसैकेराइड्स में आते हैं हमारे सिंपल शुगर्स जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है स्वीट टेस्ट होता है एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ये ऑलरेडी इतने छोटे हैं कि इनको और ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं होता है मोनोसेकेराइड्स का जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी एच टू ओ एन यानी कि आपका जो जितना कार्बन नंबर है उतना ही ऑक्सीजन नंबर होगा और उसका डबल आपका हाइड्रोजन का रेशियो होगा मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है मोनोसेकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स अल्डोजेस एंड कीटोसेस अल्डोज मतलब क्या होता है और कीटोज मतलब क्या होता है अल्डोज मतलब ऐसी शुगर जिसके एंड में हमको सी एच ओ ग्रुप यानी कि अल्डी ग्रुप दिखाई दे और कीटोज मतलब कैसी शुगर होती है जिसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ये देखो यहाँ पर यह आपकी एक अल्डोज शुगर है यह आपकी कीटोज शुगर है यह आपका अल्डी ग्रुप है सी एच ओ और यह आपका कीटोन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जब आपको दिखाई देते हैं तो आप इसको कीटोज शुगर बोलते हो और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जब आपको दिखाई देते हैं तो आप इसको अल्डोज शुगर बोलते हो ठीक है तो अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है ओके पीछे जाते हैं वापिस

यहाँ पे यह आपका अल्डोज शुगर है अल्डोज शुगर के पास से हम यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करके उसको दूसरे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन कर देते हैं क्या कर देते हैं यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करके इधर पे कुछ और मॉलिक्यूल लेकर आ रहे हैं सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में आपको इधर पे बताया गया है वॉट इज मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड शुगर कैसे टाइप के होते हैं रिड्यूसिंग टाइप के होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं ओके उसको रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं और ऐसी शुगर्स हमको सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स में ही देखने को मिलती है डाय पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर्स ओनली आर रिड्यूसिंग शुगर्स आगे देखो आपको क्या बताया गया रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट दैट इज सी टू प्लस टू सी यू प्लस क्या बोला गया इधर पे हमको यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है सी यू टू प्लस से प्लस हो जाता है मतलब एक आयन रिमूव हो जाता है यानी एक कोई चीज एडिशन हो जाती है समझ में आ रही है आपको बात देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सो दिस इज ऑक्सीडेशन ओके और रिडक्शन में क्या होता है रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन प्रोसेस में होता है जितना भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन निकाल दो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इधर पे सी यू टू प्लस था मैंने एक हाइड्रोजन ऐड किया तो अब इधर पे सी यू प्लस हो गया मतलब पहले इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से बेनेडिक्ट रिएजेंट कैसे काम करता है देखो इधर पे क्या बोला गया है सी आपका एक बेनेडिक्स केमिकल होता है यह आपका एक बेनेडिक केमिकल होता है जिसमें हम क्या करते हैं हमारा जो भी मोनोसेक्राइड शुगर होता है उस शुगर को इन दिस केस रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज टेकन इसमें हम क्या करेंगे इक्वल अमाउंट बेनेडिक सोल्यूशन डालेंगे बेनेडिक सोल्यूशन में क्या होता है कॉपर आयन होता है जब आप अपने शुगर के साथ कॉपर आयन मिक्स करोगे और जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा स्टार्टिंग में कॉपर इज ब्लू इन कलर कॉपर का कलर कैसा होता है ब्लू कलर का होता है लेकिन जब इसमें रिडक्शन हो जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है रेड कलर का हो जाता है अगर आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है सो ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर ऐसे हम हर एक शुगर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं या आप बी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है आप चेक करते हो कि आपको जो शुगर सैंपल दिया गया है वो कैसे टाइप का शुगर है डायबिटीज़ पेशेंट्स जो होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट का यूरिन कलेक्ट किया जाता है और उस यूरिन में बेनेडिक्स टेक्स बेनेडिक्स रिएजेंट डाल के उसको वॉर्म करके देखा जाता है अगर वो सैंपल रेड कलर में कन्वर्ट हुआ मतलब उस यूरिन में ग्लूकोज है और यूरिन में ग्लूकोज है मतलब पर्सन के बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है क्योंकि इंसुलिन होता तो वो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता लेकिन इंसुलिन नहीं बना इसीलिए ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ इसीलिए वो यूरिन में एक्सक्रीट हुआ सो तो इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस तो इस तरीके से बेनेडिक्स रिएजेंट का टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आगे देखो आपको क्या बताया गया तो शुगर्स दो टाइप की होती हैं अल्डोजेज एंड कीटोसिस कीटोस शुगर के पास

एक नॉर्मल ह्यूमन में 90 मिलीग्राम्स पर हंड्रेड एम ऑफ़ ब्लड में आपका जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो होना चाहिए मतलब अगर आप 100 एम ब्लड ले रहे हो अगर आप 100 एम ब्लड ले रहे हो तो इस 100 एम ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए 90 मिलीग्राम्स तो अगर 90 मिलीग्राम्स ग्लूकोज है 100 एम ब्लड में सो तो ये नॉर्मल लेवल माना जाता है लेकिन अगर नाइन्टी मिलीग्राम से ऊपर हो गया तो इसका मतलब पर्सन कैन सफर फ्रॉम डायबिटीज़ फिर बारी आती है गैलेक्टोज की गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम ग्लूकोज के जैसा होता है ये देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ ये ओ का फर्क है मतलब एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोस ऐसा लिवोडोरोट्री एंड डेक्सटोरोटरी सिर्फ पोजिशन का फर्क है नहीं तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब ऑलमोस्ट सेम है लेकिन 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 आप ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज को यूज नहीं कर सकते दोनों दिखने में भले ही कितने भी सेम हो लेकिन आप ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज को यूज नहीं कर सकते ये दोनों बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन ये अल्फा या बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है लैक्टोज बनाता है एंड लैक्टोज इज नथिंग बट मिल्क शुगर सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आप एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते इन दोनों को साथ में यूज कर सकते हो लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते नेक्स्ट शुगर आता है मोनोसाइक्राइड में फ्रुक्टोज देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है सी सिक्स एच टूए लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिक्स रिंग का स्ट्रक्चर है इट इज सिक्स रिंग कंपाउंड ये देखो ये सिक्स रिंग कंपाउंड है और ये फाइव रिंग कंपाउंड है समझ में आ रही है बात ग्लूकोज एक अल्डीहाइट शुगर है कीटोज एक सॉरी uh, फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है मतलब ये अल्डीहाइट ग्रुप है और फ्रुक्टोज में कीटोज ग्रुप है फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर से मिलता है और और वो केमिकली फाइव आइटम रिंग से बना हुआ है यहाँ पे देखो पांच रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो पांच रिंग का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोस में सिक्स रिंग का स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोस टू फॉर्म सुक्रोज अगर आपका फ्रुक्टोज और ग्लूकोस एक साथ जुड़ जाए तो आपको सुक्रोज मिलता है क्या मिलता है सुक्रोज मिलता है ये हो गया मोनोसेक्राइड्स के बारे में अब हम डायसेक्राइड्स के बारे में देखते हैं डायसेक्राइड मतलब क्या होता है टू शुगर मॉलिक्यूल्स मतलब जब दो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपको दो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं so, सो को बनाने के लिए उन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना बहुत जरूरी है ये देखो ये आपका एक शुगर मॉलिक्यूल है या आपका दूसरा शुगर मॉलिक्यूल है इन दोनों को जब आप साथ में जोड़ते हो तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है डायसेक्राइड शुगर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जैसे सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज एटसेट्रा इसमें से सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर कुछ कुछ डायसेक्राइड होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री कीटोन ग्रुप होता है जो आपके बेनेडिक्स टेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये डायसैक्राइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन इनका शेप बहुत बड़ा होता है इसीलिए सेल के अंदर ये डायरेक्ट नहीं घुस पाते हैं इनको पहले हमको ब्रेकडाउन करना पड़ता है मतलब ऐसे कोई दो शुगर मॉलिक्यूल है तो इसको पहले डाउन करना पड़ेगा इसको मोनोसाइक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही ये सेल के अंदर घुस पाएगा ओके तो तो देखो देखो, क्या हो रहा है, है? तो है, ये देखो, ये ये आपके का आएगा, ठीक आपका है। को अगर सेल के अंदर घुसाना है तो आपको इन दोनों के बीच का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसमें हमको वॉटर मॉलिक्यूल एड करना पड़ता है देखो जब आप दो शुगर मॉलिक्यूल जोड़ते हो तो आप एक वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हो दो शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं लेकिन दो शुगर, शुगर मॉलिक्यूल को सॉरी दो शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं रिमूव करते हैं लेकिन जब दो शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है तो वही वाटर मॉलिक्यूल वापिस ऐड किया जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे वॉटर रिमूव करते हैं और वापिस से ऐड करने के टाइम पे ब्रेक करने के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं जब आप दो शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा जब आप दो शुगर मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ओके ऑल राइट और ये हमेशा याद रखो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ओके सो मोनोसैकेराइड्स बहुत ज्यादा जल्दी यूज होते हैं उनसे बहुत एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा आपको कंपोनेंट्स बनाने में ये हेल्प करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की क्या होता है बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक साथ आके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं पॉलीसेकेराइड के दो टाइप हमने पढ़े थे एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड एक होता है हेटरोपॉलीसेकेराइड ठीक है होमोपॉलीसेकेराइड और हेटरोपॉलीसेकेराइड कैसे बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन से ये देखो इधर पे ये आपका मोनोसाकराइड है ये मोनोसैक्राइड को एक साथ जोड़ने के लिए आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया लेकिन अगर समझो ये पॉलीसैक्राइड आपको ब्रेक करना है ये पोलीसैक्राइड का शुगर आपको ब्रेक करना है मतलब कोई इतना बड़ा चेन है इतना बड़ा शुगर का चेन है आपको ये चेन ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी हमने क्या बोला था ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वॉटर एड करना पड़ता है तो इधर पे हम वॉटर एड करते हैं तो हमको ये दो सिंपल शुगर मिल जाती है समझ में आई आपको बात सो पॉलीसैक्राइड मतलब क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ पॉली सैक्राइड मतलब क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड पॉलिसाइड को जब आप ब्रेक करते हो तो आपको ढेर सारे मोनोसैक्राइड मिलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके दो एग्जाम्पल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्लांट्स के अंदर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है प्लांट्स के अंदर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स के अंदर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है कैसे स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है लिवर के अंदर एनिमल्स का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ पर स्टोर होता है लिवर में सो ये देखो स्टार्च के बारे में हमको क्या बताया गया है स्टार्च के दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा ग्लूकोज से बने लेकिन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क है ये आपका अमाइलोज चेन है या आपका अमाइलोपेक्टिन चेन है ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है अनब्रांच मतलब क्या होता है स्ट्रेट स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ता जाएगा अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ये क्या है ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है अमाइलोज जो होता है ये इजीली ब्रेकेबल होता है अमाइलोज शुगर आर इजीली ब्रेकेबल लेकिन अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा क्या लगती है एनर्जी अप्लाई करने पड़ती है आगे देखो आपको क्या बताया ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज अ सिंपल अमाइलोपैक्टिन विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन्स एंड इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन लिवर एंड मसल्स तो एनिमल बॉडी में हम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं इन लिवर एंड मसल्स और जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो आप इस कॉम्प्लीकेटेड सी चेन को ब्रेक करके उसमें से ग्लूकोज बाहर निकाल लेते हो और उसको यूज कर लेते हो नेक्स्ट टाइप का पॉलीसेकेराइड आता है इज इट इज़ अ थर्ड एग्जांपल ये भी होमोपोलीसैक्राइड है मतलब ये भी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही बना है लेकिन ये प्लांट के सेल वॉल में देखा जाता है इट इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है प्लांट्स में देखने को मिलता है देखो ये आपका सेल्युलोज का स्ट्रक्चर है एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज तीसरा ग्लूकोज चौथा ग्लूकोज सबके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यह आपके प्लांट के सेल वॉल में देखने को मिलता है हमने पढ़ा है ना एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है सो so, जो प्लांट की सेल वॉल है वो एक्चुअली सेल्युलोज से बनती है सेल्युलस का फाइबर देखो ऐसा आपको देखने को मिलता है और इसको जूम करोगे तो आपको ऐसी चेन देखने को मिलती है सेल्युलस की तो सबको इतना समझ में आया है आगे देखो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ यूजेस बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करने के लिए और उसमें सबसे मेन सबस्ट्रेट है ग्लूकोज जिससे हमको एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प मिलती है स्क्रैप साइकिल वगैरह में आप पढ़ोगे कि कैसे ग्लूकोज की मदद से आपको एटीपी मिलता है लैक्टोज एक डायक्राइड शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है जिससे जो बच्चे दूध पीते हैं लैक्टेटिंग बेबीज मतलब जो दूध पीते हैं उनको एनर्जी मिलती है क्योंकि लैक्टोज किससे बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है कैसे बना है लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से सो so, इस ग्लूकोज से छोटे छोटे बच्चों को एनर्जी मिलती है पॉलीसैक्राइड सर्वे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पॉलीसेकेराइड क्या करता है ये किसी भी सेल को एक टफ स्ट्रक्चर देता है जैसे कि सेल वॉल और ये फूड रिजर्व करने में भी हेल्प करता है प्लांट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है ग्लाइकोजन

ठीक है आपको कार्बोहाइड्रेट्स तक समझ में आया वेरी गुड अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल की तरफ अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिपिड के बारे में लिपिड बायोमोलिक्यूल को अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला सो वॉट आर लिपिड लिपिड आर नथिंग बट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लिपिड आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलकर आपका लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल इज बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलकर आपका लिपिड बनता है और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है इट इज़ नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था हाइड्रोजन और कार्बो ऑक्सीजन का रेशियो कैसा होता है, जितना है जितना हाइड्रोजन उसका हाफ ऑक्सीजन होगा लेकिन लिपिड में ऐसा नहीं होता है लिपिड में हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो टूस टू वन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है हमारे जो लिपिड्स होते हैं ये फैटी एसिड से बनते हैं एंड दे आर जनरली ऑर्गेनिक इन नेचर ओके

और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है इसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं पाल्मीटिक एसिड स्ट्योरिक एसिड ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है ओलेक एसिड लिन ओलेक एसिड तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने है, ठीक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दो एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ देखने को मिलता है ये सारे एनिमल और प्लांट्स में देखने को मिलता है पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादातर हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है दे आर मोस्टली फाउंड इन सीड ऑइल्स दीज फैटी एसिड्स आर वेरी बेसिक मोलिक्यूल्स विच फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको तीन टाइप का लिपिड देखने मिलता है सिम्पल लिपिड कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव लिपिड सिम्पल लिपिड क्या होता है सिंपल लिपिड मतलब जिसमें सिर्फ फैटी एसिड्स आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये आपका फैटी एसिड है ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गया तो आपको ट्राइग्लिसराइड मिला ट्राइग्लिसराइड इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड सिंपल लिपिड का और एक एग्जाम्पल है वैक्स और फैट ये नॉर्मल बॉडी फैट जो होता है वो भी सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है ओके ओके सो जनरली अनसैचुरटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर कॉल्ड ऑइल्स अनसेचुरटेड फैट्स को हम क्या बोलते हैं ऑइल बोलते हैं अनसैचुरटेड फैटी एसडर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट्स वनस्पति घी वगैरह जो है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है देखो आगे अभी इधर पे क्या बताया गया है गुड फैट और बैड फैट के बीच में डिफरेंस बताया गया है ये आपने बचपन से पढ़ा है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में से गुड फैट कौन सा होता है अनसैचुरेटेड फैट क्योंकि इसके पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देता है मतलब ऐसा आपका ब्लड वेसल है इधर पे आपका फैट अगर क्लॉट हो गया तो ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी सो दिस गेट्स क्लॉट सो so, आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है अनसेचुरेटेड फैट वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है सैचुरेटेड फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर अनसेचुरेटेड फैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज द ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड अनसेचुरेटेड फैट इंक्रीजेज गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन क्या करेगा आगे जाके हमारे ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देगा हाई

इसके अलावा फ़ैट और वैक्सेस भी सिंपल लिपिड्स में ही आते हैं फैट का फंक्शन तो आपको पता है फैट्स के पास बहुत सारे कैलोरीज होते हैं फैट्स को हम रिजर्व फूड की तरह यूज़ करते हैं जब एनर्जी चाहिए तब फैट ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स में सीड के अंदर आपका फैट स्टोर करते हुए देखा जाता है जो जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है एनिमल्स के अंदर एडिपोस टिश्यू में फैट स्टोर रहता है अभी देखो जो ह्यूम्स रहते हैं जो मोटे ह्यूमन्स रहते हैं जो फैटी रहते हैं उनकी बॉडी में जितना ज़्यादा फैट का लेयर होता है उतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर इंसुलेटर होता है इंसुलेटर मतलब क्या होता है जो आपके टेम्परेचर को आपके बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखता है मतलब मोटे लोगों को जल्दी ठंडी नहीं लगती है क्यों क्योंकि उनकी बॉडी के हीट उनके बॉडी में ही प्रोटेक्टेड रहती है सो so, फैट इंसुलेटर का, का काम करता है जो अपने बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो भी फैट वैसे प्रेजेंट होगा ये फैट क्या करेगा ये आपके इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा मतलब जब आप बाइक चलाते हो तो आप हेलमेट पहन लेते हो हेलमेट के अंदर देखो आपने देखा होगा स्पंज जैसा कुछ लगा हुआ होता है ताकि आपके सर पे चोट ना लगे ठीक उसी तरीके से ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट क्या करता है वो हमारे ऑर्गन्स को मैकेनिकल शॉक यानी कि चोट से बचाने का काम करता है वैक्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड ये वैक्स अलग अलग जगहों में देखे जाते हैं प्लांट्स में भी आपको वैक्स देखने को मिलेंगे जैसे लोटस की जो लीफ होती है उसके ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं एनिमल्स के स्किन के ऊपर आपको वैक्स का लेयर देखने को मिलेगा हमारी बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड होते हैं सबेशियस ग्लैंड वो भी वैक्स का एक एग्जाम्पल है सो वैक्सीज आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो आपको प्लांट और एनिमल्स सब में देखने को मिलता है फिर बारी आती है कंपाउंड लिपिड्स की कंपाउंड लिपिड मतलब क्या होता है दो अलग अलग कंपाउंड से मिलके ये लिपिड स्ट्रक्चर बनता है मतलब आपके नॉर्मल फैटी एसिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप या शुगर ग्रुप अटैच हो जाता है सो दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और अ सिंपल शुगर ये देखो ये आपका फॉस्फोलिपिड है फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है यह आप इसमें आपके लिपिड मॉलिक्यूल के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या होता है इसके पास एक, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और यह हमारे सेल मेम्बरेन के स्ट्रक्चर में देखा जाता है कहाँ पर देखा जाता है सेल मेम्बरेन के स्ट्रक्चर में देखा जाता है ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है ना बच्चों इसमें आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे फॉस्फेट अटैच होता है दैट पार्ट इज़ हाइड्रोफिलिक वो पार्ट कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है वाटर वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है वाटर लविंग मतलब फॉस्फेट जिसके पास रहेगा वो पार्ट वाटर से प्यार करेगा और जिसके पास फॉस्फेट नहीं रहेगा वो पार्ट वाटर से हेट करेगा यानी हाइड्रोफोबिक टेल्स तो ये जो अपना लिपिड मॉलिक्यूल है इसके पास जहाँ पे फॉस्फेट है वो हाइड्रोफिलिक हेड होगा जो वाटर की तरफ जाएगा और हाइड्रो फोबिक टेल होगा जो वाटर से दूर भागेगा ये देखो ये आपका लिपिड बाय लेयर है जो आपने पांचवे चैप्टर में पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमने फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ा था उसमें हमने ये फॉस्फेट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था ओके इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड भी होता है ग्लाइकोलिपिड क्या होता है आपके लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है तो हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है इसके बीच बीच में इसे ग्लाइकोलिपिड्स अटैच्ड होते हैं ताकि एनर्जी एनर्जी किधर से मिलती है ग्लूकोज से सो so, अगर एनर्जी की जरूरत पड़े तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके लिपिड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल सके सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल क्या क्या है फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड ये दो एग्जाम्पल याद रखो फिर बारी आती है स्टिरॉल की स्टेल्स आर नथिंग बट डिराइव लिपिड्स हमने क्या बोला था लिपिड्स तीन टाइप के होते हैं सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड डिराइव लिपिड तो तीसरा टाइप कौन सा है लिपिड्स दे आर ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स ये जो स्टेल्स होते हैं ये ऐसे क्लोज हाइड्रोकार्बन रिंग से बनते हैं देखो ये आपका क्लोज हाइड्रोकार्बन रिंग्स है और ये ओपन रिंग चेन है ये कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल है डिराइव लिपिड्स आर नथिंग बट स्टिर स्टिरल्स दो टाइप के होते हैं एक एनिमल स्टिरॉल होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टिर और एक प्लांट का स्टिरॉल होता है मतलब प्लांट के अंदर भी डिराइव लिपिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट के, प्लांट के को उसको फाइटोस्टिर बोलते हैं और एनिमल्स के अंदर जो लिपिड होता है उसको कोलेस्टिर बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या तो फ्री फॉर्म में भी होता है या तो ये इट एग्जिस्ट आइदर फ्री और एज कोलेस्ट्रॉल अस्टर या तो ये चेन के फॉर्म में भी देखने को मिलता है एड्रीनोकॉटिकॉइड सेक्स हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टोस्टेरोन विटामिन डी आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल तो ह्यूमंस में ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा सफोला खाओ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए ओके okay? तो so, देखो एक मिनट सॉरी किधर गया अरे एक मिनट हाँ यस yes. तो देखो इधर क्या बताया गया आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं प्लांट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं फाइटोस्टिरॉल जैसे कि याम प्लांट में जो कोलेस्ट्रॉल है या फाइटोस्टिरल है उससे हम एक मेडिसिन बनाते हैं डायोसजेनिन और ये एंटी फर्टिलिटी पिल का, का काम करता है यानी किसी फीमेल को अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है तो वो ये डायोसजेनिन का टैबलेट लेकर अपनी प्रेगनेंसी होने से अवॉइड कर सकती है ठीक है सबको इतना समझ में आया है वेरी गुड ओके ओके सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा लिपिड्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो कवर कर लिए अब हम बढ़ते हैं प्रोटीन्स की तरफ ऑल राइट right, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के साथ मुझे पता है प्रोटीन्स के बारे में आपको बहुत सारी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं नेचर में अमीनो एसिड्स ट्वेंटी टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे पर सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज कौन से कौन से होते हैं आपको बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड से भी प्रोटीन मिलता है जैसे फिश एग मीट चिकन एटसेट्रा और साथ ही साथ आपको वेजिटेरियन फूड सोर्सेज लाइक नट्स मिल्क आलमंड ग्रीक लेंटेस ब्रॉकली ओट्स सीड्स इनसे भी आपको प्रोटीन्स मिलते हैं सो प्रोटीन्स दिस टर्म वॉज गिवन बाय बर्सिलियस इन एटीन थर्टी ये नाम याद रखना एंड म्यूल्डर अडोप्टेड द टर्म प्रोटीन टू रिफर टू द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनसेंसेज फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब क्या बोला गया है प्रोटीन ये नाम दिया बर्सीलियस ने लेकिन उसके बारे में डिटेल स्टडी किसने की म्यूल्डर ने की प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड से बनते हैं नेचर में आपको टोटल ट्वेंटी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं यह आपके ट्वेंटी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे टेन है यहाँ पे पाँच है यहाँ पे तीन है, है और यहाँ पे दो ऐसे आपको टोटल ट्वेंटी अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं ये अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर है ओके सी कार्बन होता है नाइट्रोजन होता है हाइड्रोजन होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और आर चेन होता है आप ये ट्वेंटी टाइप के अमीनो एसिड्स में देखोगे कि ये जो आर ग्रुप है ये किसी भी अमीनो एसिड में सेम नहीं है सबका आर ग्रुप अलग अलग है सबका आर ग्रुप कैसा है सबका आर ग्रुप अलग अलग है इसीलिए ट्वेंटी के ट्वेंटी अमीनो एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं नेचुरली ट्वेंटी अमीनो एसिड्स ही यूज किए जाते हैं प्रोटीन बनाने में और बाकी के जो अमीनो एसिड्स है वो बहुत रेयर कंडीशन में यूज होते हैं ओके सो so, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड से बनता है अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है देखो ध्यान से सुनो दो अमीनो एसिड जब एक साथ अटैच होती है ये एक अमीनो एसिड है ये दूसरी अमीनो एसिड है ये दोनों अमीनो एसिड जब एक साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उधर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड देखो आपको इधर पे दो दो डायग्राम बताया गया है आपका ये एक अमीनो एसिड है ये दूसरा अमीनो एसिड है ये दोनों अमीनो एसिड एक साथ जब जुड़ेंगे तो इसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा पेप्टाइड बॉन्ड बचेगा सो हमेशा याद रखो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं कभी लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कभी उसका बीटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये यह देखो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताया गया है ये अमीनो एसिड का प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी प्रोटीन ये टर्चरी प्रोटीन और ये क्वार्टरनरी प्रोटीन

एक साथ आके कंपाउंड बनाते हैं।, तो इसको हम बोलते हैं आप इसको थ्री डी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स यूज होते हैं मतलब अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं तो दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है देखो इधर पे मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ हाँ ये देखो ये आपका प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको एक सिंगल प्रोटीन की चेन दिखाई दे रही है फिर अगर आपका ये प्रोटीन स्पाइरल फॉर्म में बना तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप होता है एक हेलिकल फॉर्म होता है और एक प्लीटेड शीट होता है सो हेलिकल फॉर्म का भी एक एग्जाम्पल दिया है प्लीटेड शीट का भी इसके बाद आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है यानी कि थ्री स्ट्रक्चर और ये थ्री स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर

आगे देखो क्या बताया गया सच स्पाइरल्स आर इन सम केसेस राइट हैंडेड कॉल्ड अल्फा हेलिक्स और कभी कभी आपको बीटा हेलिक्स भी देखने मिलता है बीटा हेलिक्स मतलब क्या होता है ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर आपको देखने को मिलेगी प्लीटेड शीट में देखने को मिलेंगे सो so, जब आपको ऐसा कोई प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो ऐसे टाइप के प्रोटीन को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन टर्शरी प्रोटीन में क्या होता है आपको थ्री स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से मतलब समझो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनके बीच में क्या है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है सो so, ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स डायसल्फाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से हमको टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर मिलता है देखो इधर पे ये देखो ये आपका एक अमीनो एसिड है यह आपका दूसरा अमीनो एसिड है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है तो ये इनस्टेबल होता है ये अनस्टेबल होता है सॉरी ये कैसे टाइप का इंटरेक्शन होता है अनस्टेबल होता है लेकिन जब दो अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग जो होती है ये स्टेबल बॉन्डिंग होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रांगर देन एनी अदर बॉन्ड समझ में आ रही है आपको बात सो हाइड्रोजन बॉन्ड होना बहुत जरूरी है अब आपको एक और पॉइंट क्या बताया गया है आर एम्फोटेरिक इन नेचर एम्फोटेरिक मतलब क्या होते हैं इनके पास जितना एसिड है उतना ही बेस है मतलब ये देखो इस प्रोटीन के पास अगर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो इस प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इस तरीके से आपको प्रोटीन में क्या देखने को मिलता है सी दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव प्लस माइनस जीरो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड है इधर पे कुछ भी नहीं है तो इधर पे भी कुछ भी नहीं है ये भी आपका जीरो है सो so, इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं बेटा इसको हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या होता है कि प्रोटीन्स के ऊपर या अमीनो एसिड्स के ऊपर जो नेट चार्ज होता है मतलब फाइनल चार्जेस कैसे होते हैं उसके जीरो होते हैं नल चार्जेस होते हैं और क्या बोला गया हमको इधर पे कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं मतलब ये जो प्रोटीन है ये एसिड के जैसा भी काम करता है बेसिस के जैसा भी काम करता है क्योंकि हमारे जो अमीनो एसिड्स है ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हमने देखे इसमें से कुछ अमीनो एसिड्स एसिडिक है और कुछ अमीनो एसिड्स बेसिक है ये अमीनो अमीनो एसिड्स एसिड्स एसिडिक है और ये अमीनो एसिड्स बेसिक अमीनो एसिड है देखो इनके नाम के आगे ही लिखा है एस्पार्टिक एसिड एसिड सो दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड्स तो ये अमीनो एसिड जिस प्रोटीन में रहेंगे उस प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे और बेसिक अमीनो एसिड जिस प्रोटीन में रहेंगे उस प्रोटीन को बेसिक प्रोटीन बोलेंगे समझ में आया इतना एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है एसिड एंड बेस बोथ अभी प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है पहला है सिंपल प्रोटीन दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरा है डिराइव प्रोटीन आपको सिंपल प्रोटीन्स के बारे में क्या बताया गया है ये एकदम सिंपल चेन होती है ऐसे अमीनो एसिड्स की सिंपल चेन होती है जिसका एग्जांपल है हिस्टोन्स वगैरह इनको हीट करने पे हमको नॉर्मल प्लेन अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं सो दैट इज सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपके प्रोटीन के साथ कोई एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है जैसे एन्जाइम्स के स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं कि प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो गया या प्रोटीन के साथ न्यूक्लियो न्यूक्लियस अटैच हो गया तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइको uh, प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन या लाइपो प्रोटीन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिपिड अटैच हो जाएगा तो लाइपो प्रोटीन न्यूक्लियस अटैच हो जाएगा तो न्यूक्लियो प्रोटीन शुगर अटैच हो जाएगा तो ग्लाइको तो प्रोटीन ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं डिराइव प्रोटीन्स में क्या होता है डिराइव प्रोटीन्स मतलब जो सिंपल प्रोटीन से कॉम्प्लिकेट करके बनाया जाता है मतलब जिसमें दो अलग अलग तीन अलग अलग कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं सो so, इसमें देखो दो अल्फा चेन है दो बीटा चेन है बीच में आयरन मॉलिक्यूल है और उसी आयरन मॉलिक्यूल के आजू बाजू में आपको मैग्नेशियम आयन्स भी देखने को मिलेंगे सो so, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं डिराइव प्रोटीन ओके नो दीज आर एक्चुअली ये जो है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली आपके कंपाउंड प्रोटीन का एग्जाम्पल है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोल सकते हो या एक्चुअली आपके किसका एग्जाम्पल है या कंपाउंड प्रोटीन का एग्जाम्पल है या इसको आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी बोल सकते हो डिराइव प्रोटीन में ये नहीं आएगा डिराइव प्रोटीन में क्या आता है डिराइव प्रोटीन मतलब जो दो तीन प्रोटीन्स को मिला के कुछ नया बनाते हैं दीज प्रोटींस आर नॉट फाउंड इन नेचर ये नेचर में नहीं मिलता है इसको हम मिक्स करके बनाते हैं जैसे मेटा प्रोटीन पेप्टोन डिराइव प्रोटीन ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है कैंसर के स्टेजेस में हमको मेटा प्रोटीन्स देखने को मिलता है तो डिराइव प्रोटीन्स आर वेरी रेयर ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल आपके कंपाउंड प्रोटीन का है जो आपके ब्लड में हमको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है तो दिस इज अबाउट प्रोटीन्स ओके चलो आप पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लिक एसिड्स नाउ देखो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ न्यूक्लिक एसिड्स के दो एग्जाम्पल हैं एक है आपका डीएनए और एक है आपका आरएनए क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है डीएनए के पास जो शुगर होती है वो डी टाइप की होती है मतलब उसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है और आरएनए की शुगर जो होती है वो राइबोस टाइप की होती है दोनों शुगर पाँच कार्बन की है लेकिन एक में एक ऑक्सीजन कम है और एक शुगर कम्प्लीट है डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है थाइमीन उसकी जगह आरएनए में उसकी जगह कौन लेता है थाइमीन की जगह यूरासिल तो so, ये तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में जो आपको पता होना चाहिए स्विस के स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशेर जो थे उन्होंने हमको बताया कि डब्ल्यू सेल्स में से कैसे डी न्यूक्लिक एसिड हम आइसोलेट कर सकते हैं उन्होंने फ्यूलजन टेक्निक यूज की देखो फ्यूलजन ने क्या किया फ्यूलजन शोड दैट क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए फ्यूलजन ने हमको बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली डीएनए रहता है फ्रेडरिक uh, मिशेर ने क्या किया था उन्होंने डब्ल्यू बी कलेक्ट किए थे हॉस्पिटल से बैंडेजेस कलेक्ट किए उसमें से डब्लू बी आइसोलेट किया उसको वॉश किया उसका सेल वॉल निकाला सेल मेम्ब्रेन निकाला सेल मेम्ब्रेन निकालने के बाद उसके अंदर का जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को उन्होंने प्रोटीन वॉश किया फिर उसको सॉल्ट से वॉश किया सॉल्ट वॉश करने के बाद उसके न्यूक्लिक uh, एसिड्स के जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो भी ब्रेक हो गया अब ये बचा अंदर का एसिडिक पार्ट तो इस एसिडिक पार्ट को उन्होंने नाम दिया पहले ये जो पार्ट बचा था इसको नाम दिया न्यूक्लिन लेकिन जब इस न्यूक्लियन का एसिड टेस्ट किया गया तो इसके अंदर एसिड प्रेजेंट तो इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड को जब अल्ट्रा मा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया सो तो जब हम बात करते हैं डीएनए की या आर की तो डीएनए और आर तीन चीजों से बन के मिलते हैं देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपका डीएनए हो या आर हो ये तीन चीजों से बन के मिलता है एक पांच कार्बन वाली शुगर मॉलिक्यूल जिसको हम राइबोस शुगर बोलते हैं एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस तो ये तीन कंपाउंड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है ये तीन कंपाउंड मिलके क्या बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शुगर की शुगर दो टाइप की होती है हमको पाँच कार्बन की शुगर चाहिए और जिसका एग्जाम्पल है राइबोस शुगर लेकिन राइबोस शुगर में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबोस और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होता है डीएनए में ठीक है फिर बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की फॉस्फोरिक एसिड सिंपल आपका फॉस्फोरेट ग्रुप के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है ठीक है so, सो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है यह आपका पांच कार्बन का शुगर है यह आपका फॉस्फोरिक एसिड है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस रहता है अब ये नाइट्रोजन बेसिस जो है ये नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के होते हैं पहला नाइट्रोजन बेस होता है, purines, और दूसरा टाइप होता है एक मिनट हाँ इधर पे देखो डायग्राम आपको दिखाती हूँ या आपका पिमिड है प्योरस जो है वो डबल रिंग कंपाउंड है और पिमिडींस जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड है ओके ये डिफरेंस है आपके प्योरंस और पिरािडीस में प्यूरस के अंदर कौन से दो बेसिस आते हैं एडी एंड ग्वा आप ये कैसे याद रख सकते हो ऑल गॉड्स आर प्योर ऐसे अगर आप याद रखोगे तो ऑल का एडीनाइन जी से ग्वानाइन और प्योर मतलब प्योरिन सो so ये जो दो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये आपके प्योरिन कंपोनेंट्स हैं और पिरीमिडिन में क्या आता है आपका सिंगल रिंग कंपोनेंट आता है पिमिडिन में क्या आता है आपका सिंगल रिंग कंपोनेंट आता है ठीक है तो ये बात हो गई अपने प्योरिन और पिरामिडिन की अब आपको एक चीज इधर पे क्या बताना चाहती हूँ मैं कि हमारे जो चारगाव थे चारगाफ जो थे एयरविन चारगाफ इन्होंने हमको एक क्या रूल दिया कि एडीनाइन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमीन एंड ग्वानाइन विल ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन यानी एक प्यूरिन एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका रेशियो हमको हमेशा वन इज टू वन का ही मिलेगा मतलब जितना एडिनाइन है उतना ही थाइमिन होगा जितना ग्वानीन है उतना ही साइटोसिन होगा सो इसका रेशियो हमेशा हमको कितना देखने को मिलेगा वन इज टू वन देखने को मिलेगा डीएनए में ये हमको किसने बताया अरविंद चारगाफ ने बताया ये देखो ये आपका नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है मतलब क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम्स को जब आप अनवाइंड करोगे तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एन ए सो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका क्रोमोजोम डीएनए से बनता है एंड डीएनए इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ओनली समझ में आ रही है बात सो क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम दोनों एक दूसरे का पार्ट है और इसका जो एक स्ट्रक्चरल रीजन होता है उसको हम जीन बोलते हैं ठीक है थीके? अब ये देखो यहाँ पे आपका ये ग्वानाइन नाइट्रोजन बेस है ये साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है ग्वाइन ऑलवेज बाइंड्स बाइंड्स विद विद साइटोसिन एंड ऑलवेज तो ये मैंने आपको पहले ही बोला हमेशा नाइन के साथ बाइंड करता है ग्वानाइन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है एडीनाइन और थामाइन के बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सो ये आपको याद रखना है ओके ऐसा क्यों होता है वो हमने डिटेल वीडियो में देखा है तो आप डिटेल वीडियो भी जाकर देख सकते हो अब आगे देखो आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या बताया गया है डीएनए स्ट्रक्चर इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं अगर इसमें से तुम फॉस्फोरिक एसिड निकाल दोगे सिर्फ तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल और तुम्हारा नाइट्रोजन बेस अगर रहेगा अगर सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस है तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे और अगर आप इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दोगे तो तीन कंपोनेंट्स हो जाएगा तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे ठीक है सो so, हमारा जो डीएनए है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये कौन से बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड यानी फॉस्फोरिक ग्रुप और थर्ड कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है ठीक है अब इधर पे और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है आपका ये जो डीएनए uh, का स्ट्रक्चर होता है देखो मैंने अलग अलग डीएनए का स्ट्रक्चर बताया है आपका ये जो डीएनए का चेन है देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है सो so, इस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन इस न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ आपका फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच हो रहा है ये फॉस्फोरिक ग्रुप ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होता है सो so, दो कार्बन अटैच है इसीलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं मतलब फॉस्फोरस को अटैच करने के लिए दो बॉन्ड्स लग रहे हैं सो so, for diester bonds. आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये वाला चेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर एक फाइव डैश बॉन्ड खाली रहेगा इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पे थ्री डैश वाला एंड एम रहेगा इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा वैसे ही आपको ये स्ट्रैंड उल्टा डायरेक्शन में देखने को मिलेगा क्योंकि एडी हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड होना चाहिए अगर दोनों चेन सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एडी के साथ एडी ही आएगा तो उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा एडी इज अ डबल रिंग कंपाउंड तो चार रिंग स्ट्रक्चर एक साथ आ गए और इधर पे फिर दो रिंग Structure. तो ऐसे में हो जाता है इसीलिए दूसरे स्ट्रैंड का का डायरेक्शन हमेशा हमेशा अपोजिट होना होना चाहिए चाहिए के सामने चाहिए। ताकि आपको तीन रिंग बैलेंस देखने मिले इधर 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 पे साइटोसीन। तो इधर पे पे सो भी दो रिंग और इधर पे एक रिंग तो इधर पे भी टोटल तीन रिंग डैश तो एक एंड हमेशा ओपन रहता है थर्ड वाला कार्बन ओपन है तो उसको थ्री डैश बोलेंगे देखो इधर पे ये थर्ड कार्बन ओपन है तो इसको थ्री डैश बोलेंगे ये फिफ्थ कार्बन ओपन है तो इसको डैश बोलेंगे इधर पे थर्ड कार्बन ओपन है तो इसको थ्री डैश बोलेंगे इधर पे फिफ्थ कार्बन ओपन है तो इसको फाइव डैश एंड बोलेंगे तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरल होता है मतलब दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं आपको याद रखना है डीएनए स्ट्रैंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं पहला प्रॉपर्टी होता है एंटी पैरल नेचर दूसरा प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या होता है एडीनाइन विल ऑलवेज बाइंड विथ आईमीन ग्वानाइन विल ऑलवेज बाइंड विथ साइटोसिन मतलब प्यूरिन और पिरेमिडीन का ही बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं ओके डीएनए का जो हेलिकल मॉडल है ऐसा जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये हमको किसने दिया था ये हमको वाटसन एंड क्रिक्स क्रिक ने दिया था विद द हेल्प ऑफ विल्किंस एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी सो विल्किंस और वाटसन और क्रिक ने मिलकर हमको क्या बताया कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में मतलब दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर्स का यानी कि 3.4 पॉइंट का और ऐसे अगर आप पूरा एक डीएनए का टर्न देखो मतलब एक माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप अगर आप काउंट करो तो आपको टोटल कितने बेसिस देखने को मिलेंगे दस बेसिस देखने को मिलेंगे मतलब इधर से लेके इधर तक आपको टोटल दस नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेंगे बेस पेयर देखने को मिलेंगे और इसका डिस्टेंस कितना होता है थ्री पॉइंट फोर नाइनोमीटर्स का कितना डिस्टेंस होता है इसका थ्री पॉइंट फोर नाइनोमीटर्स का सो so, दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जीरो पॉइंट थ्री फोर का डिस्टेंस और एक पूरे के पूरे ग्रूव के बीच में थ्री पॉइंट फोर नाइनोमीटर्स का डिस्टेंस और ये डीएनए का डायमीटर कितना होता है ट्वेंटी नाइनोमीटर्स ओके ऑल राइट तो ये था आपके डीएनए के बारे में अब देखो दूसरा न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है आरएनए आर एन ए मतलब क्या होता है आर एन ए इज़ नथिंग बट राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर भी फाइव कार्बन की शुगर होती है राइबोज शुगर इसके पास भी फॉस्फोरिक एसिड होता है और इसके पास भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं डी एन ए में कौन सा कौन सा नाइट्रोजन बेस देखा था हमने एडीनाइन ग्वानाइन साइटोसिन थाइमीन लेकिन आर एन ए में ये थाइमी जो है ये यूरासिल के साथ रिप्लेस हो जाता है क्योंकि जब आप दोनों का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो थाइमीन इज़ हैवी एंड यूरासिल इज लाइट तो हम हल्का मोलिक्यूल यूज़ करते हैं थाइमीन की जगह पर हम आर एन ए में यूरासिल यूज करते हैं ओके ऑलराइट right, तो अब आरएनए के बारे में देखो क्या बताया गया आरएनए यूजुअली दो टाइप के होते हैं एक होता है जेनेटिक आरएनए जो हमको वायरसेस में देखने को मिलता है जैसे टोबैको मोसाइक वायरस एचआईवी वायरस और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए इसको हम सेलुलर आरएनए भी बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए को हम सेल्यूलर आर भी बोलते हैं सेलूलर आर भी तीन टाइप का होता है एम आर एन ये किधर से बनता है ये आपके मेन डी से ही बनता है ये आपका मेन डी है इस डी से ही आपको ये तीन टाइप के आर देखने को मिलेंगे एम आर एन ए आर आर एन ए और टी आर एन एके अब इसके आगे देखो क्या बताया गया है ये आपके आर का केमिकल स्ट्रक्चर है मतलब ये देखो ये आपको सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यह बना है आपके नाइट्रोजन बेसिस की मदद से सो ये आपका रईबोज न्यूक्लिक जो राइबोज शुगर यूज होता है आरएनए में और ये थाइमीन की जगह पे जो यूरासिल यूज़ होता है सो डी एन में ये अलग चीज़ें होती हैं ये डीएनए में यूज़ होता है या आरएनए में यूज़ होता है दोनों में डिफरेंस देखो क्या है इधर पे ऑक्सीजन ग्रुप है इधर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है इधर पे आपका यूरासिल है यह आपका यूरासिल नहीं है यह आपका थाइमीन है सो आर और डीएनए में ये बेसिक डिफरेंस होता है ओके आर एन ए के जो अलग अलग सब्सटीट्यूट्स है आर एन ए के जो अलग अलग टाइप्स है वो कहाँ पर बनते हैं वो आपके डी एन ए से ही बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं आपके डी एन ए से ही बनते हैं डी एन ए से आपको एम आर एन ए मिलता है आर आर एन ए मिलता है टी आर एन ए मिलता है एम आर एन ए का क्या फंक्शन है आर आर एन ए का क्या फंक्शन है टी आर एन ए का क्या फंक्शन है एम आर एन ए जो होता है ये एम आर एन ए टोटल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है मतलब समझो हंड्रेड परसेंट आर एन ए में से हंड्रेड परसेंट आर एन ए में से थ्री परसेंट आर एन एम आर एन ए का टाइप है और आर आर एन एट्टी टू नाइनटी परसेंट होता है एट्टी टू नाइन्टी परसेंट आर आर एन ए होता है और बाकी का बचा हुआ सेवन परसेंट टी आर एन ए होता है समझ में आई आपको बात सो एम आर एन ए सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम आर एन ए है क्योंकि एम आर एन ए को हम बोलते हैं मैसेंजर आर एन ए ये क्या कैरी करता है समझो आपको कैराटिन प्रोटीन बनाना है आपको हेयर प्रोटीन बनाना है तो आपके प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डी एन ए के पास है आपके प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन किसके पास है आपके डीएनए के पास है सो so, ये प्रोटीन बनाने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन मैं कॉपी करके एक नया स्ट्रैंड बनाती हूँ ये नया स्ट्रैंड को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो जब आपको एमआरएनए बनाना है तो आप डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी करोगे जब आर एन ए बनाना है तो भी डीएनए से बनेगा और टी आर एन ए बनाना है तो भी डीएनए से बनेगा तो पहले हम एम आर एन ए बनाते हैं एम आर एन ए कुछ अपने को इस तरीके से दिखाई देता है इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है ये जो कंगी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दीज आर दी एक्चुअल कोडॉन्स ये आपके कोडॉन्स होते हैं ओके okay. ये कोडॉन्स की मदद से अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड से आगे जाके क्या बनता है आपका प्रोटीन का चेन बनता है सो तो ये एमआरएनए का फंक्शन है एमआरएनए हमेशा फाइव डैश टू थ्री डैश के डायरेक्शन में ही काम करता है ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है याद रखना ये देखो ये एम का स्ट्रक्चर है ये फाइव डैश टू थ्री डैश के डायरेक्शन में काम करेगा ऐसे और ये आपके अलग अलग कोडॉन्स हैं ये एम आर एन ए जाता है आर आर एन ए के पास क्योंकि आर आर एन ए के अंदर ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमने पढ़ा था ना राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है सो एम आर एन ए जब बन जाता है ये आपका सेल है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर डी एन ए है डीएनए के पास से आपका आरएनए बन जाएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपके आरएनए से जब आपको प्रोटीन मिलता है तो वो प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्म में बनता है किधर बनता है प्रोटीन साइटोप्लाज्म में और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सो आपका एम आर एन ए आपके आर आर एन ए के पास जाता है प्रोटीन्स बनाता है और फिर इसको अमीनो एसिड ला कौन देता है ये जो आर आर एन ए के पास एम आर एन ए आया है ये एम आर को अमीनो एसिड कौन ला के देगा टी आर एन ला के देगा तो टी आर का फुल फॉर्म क्या है ट्रांसफर आर एन ट्रांसफर आर का दूसरा नाम है सोल्यूबल आर क्योंकि ये आर सबसे ज्यादा छोटा होता है साइज में सबसे ज्यादा छोटा टी आर होता है तो एम आर एन ए को मैसेंजर आर एन ए बोलते हैं क्योंकि वो मैसेज कैरी करता है आर आर एन ए को राइबोसोमल आर एन ए बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स में बनता है आर आर एन ए का डिस्कवरी किसने किया था कर्लैंड ने किया था और इट गेट्स कॉइल्ड हियर एंड देयर ड्यू टू इंट्राचेंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कभी कभी अपने आप में ही ऐसा कॉइलिंग बना लेता है ओके okay? फिर बारी आती है टी आर एन ए की टी आर एन ए मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं सबसे छोटे टी आर एन ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं टी आर एन ए में हमको अलग अलग आर्म्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्टर स्टेम मतलब एक्सेप्टर आर्म डीएचयोडा anticodon loop. Anticodon loop लूप आपके लूपरएन के साथ बाइंड करता है और इधर पे आपका जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड आपके एंटीकोडॉन लूप के साथ चिपक के आती है और आपके एम के पास रह जाती है क्लास ट्वेल्थ के मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हमने ये डिटेल में पढ़ा तो आपको फंक्शन क्या याद रखना है टी आर एन ए का दूसरा नाम है सोल्यूबल आर एन ए ये आपके एंट्रेंस में आता है टी आर एन ए के पार्ट्स कौन से कौन से हैं डी एच यू आम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एंड एंटीकोडोन लूप राइबोसोम रिकॉन्ग्शन साइट ये आपको याद रखना है और टी का काम होता है अमीनो एसिड ट्रांसफर करना फ्रॉम साइटोप्लाजम टू दी राइबोजो ये टी का काम होता है ठीक है ओके okay, तो आई होप आपको सारे चारों के चारों बायोमोलिक्यूल के बारे में समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स अब हम बढ़ते हैं टॉपिक चैप्टर के ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ दैट इज एंजाइम्स ऑल राइट right, तो आप देखो एंजाइम्स के बारे में हमको क्या बताया गया एंजाइम्स मतलब क्या होते हैं एंजाइम्स का दूसरा नाम होता है बायो कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंजाइम दो टाइप के होते हैं एक होता है कैटाबोलिक एंजाइम और एक होता है एनाबोलिक एंजाइम कौन से दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक कैटाबोलिक एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और एनाबोलिक एंजाइम्स सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम ये जो वर्ड है ये हमको किसने दिया था एडवर्ड बुचनर ने दिया था बाय एक्सीडेंट उन्होंने एंजाइम का डिस्कवरी किया था एंजाइम्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं इनके पास एक स्पेशल साइट होती है एक्टिव साइट जहाँ पे आप अपने सबस्ट्रेट को भेजते हो सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है सो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो बिना एन्ज़ाइम के कम्प्लीट हो ही नहीं सकते अगर बॉडी का मेटाबोलिज्म फास्ट करना है तो एन्जाइम का होना बहुत ज़रूरी है हर एक एंजाइम बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है हर एक एंजाइम कैसा होता है स्पेसिफिक जैसे हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है वैसे ही हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही ब्रेक करता है कुछ कुछ एंजाइम्स एंडो एंजाइम्स होते हैं जो अपने सेल के अंदर ही एक्टिविटी दिखाते हैं कुछ कुछ एंजाइम्स एक्सो एंजाइम्स होते हैं जो बनते कहीं और है और काम कहीं और पे जाके करते हैं एंजाइम्स के दो नेचर हमको देखने को मिलता है मतलब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन दो टाइप में डिवाइडेड है एक है प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बनता है और एक है कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम एंजाइम में हमको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं मतलब आपका होता है ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से हमारा एंजाइम्स एक्टिव होता है ठीक है तो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है ये देखो ये आपका नॉर्मल एंजाइम है ठीक है ये प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम के प्रोटीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपो एंजाइम लेकिन इसके साथ जब प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है ये देखो ये आपका ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसको बोलते हैं को एंजाइम ये इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं को फैक्टर ऑर्गेनिक प्रो ऑर्गेनिक प्रोस्थिक ग्रुप को को बोलते हैं इनऑर्गेनिक प्रोसेटिक ग्रुप को क्या बोलते हैं को फैक्टर बोलते हैं सो जब आपका प्रोटीनिक पार्ट मतलब जब आपका अपो एंजाइम आपके को एंजाइम और को फैक्टर के साथ जब एक साथ बाइंड करता है सो ये क्या बनाता है ये बनाता है होलो एंजाइम अपो एंजाइम जब आपके को एंजाइम और को फैक्टर के साथ बाइंड करता है तो ये क्या बनाता है होलो एंजाइम बनाता है एंजाइम के पास हमको क्या देखने को मिलता है एक्टिव साइट देखने को मिलता है एक्टिव साइट क्या करता है एक्टिव साइट के पास आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है जो आपका रिएक्शन करने में हेल्प करेगा ठीक है आगे देखो क्या बताया गया है Uh, हाँ ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की हमने बात की तो ऑर्गेनिक प्रोस्थिक ग्रुप को को एन्जाइम बोलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एन ए डी एफ एम एन और इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं को फैक्टर्स उसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कॉपर जिंक आयरन मैंगनीज एक्सेट्रा आपको दो दो एग्जाम्पल याद रखना है आगे आपको क्या बताया गया है एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है Are made up of proteins, pure proteins, और इनका थ्री डी स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाएं तो थ्री डी स्ट्रक्चर हमको क्या देखने को मिलता है एंजाइम के एक्टिव साइट में ही आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा और उस साइट को हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं एंजाइम की दो प्रॉपर्टी होती है एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना कैटालिटिक मतलब ब्रेक डाउन करना और एनाबोलिक मतलब की सिंथेसिस करना तो ये देखो ये कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी है इधर पे आपका सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेकडाउन होके नया प्रोडक्ट बना रहा है और एनाबॉलिक प्रॉपर्टी में क्या होती है दो अलग अलग सबस्ट्रेट को एक साथ ज्वाइन करके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं दिस इज एनाबोलिक प्रॉपर्टी ओके फिर नेक्स्ट आता है आ, ये ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है आपका जो एंजाइम है ये बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है जब मम्मी सब्जी बनाती है तो क्या एक किलो के सब्जी में हम एक किलो नमक डालते हैं नहीं एक किलो की सब्जी में सिर्फ दो चम्मच नमक जाता है तो वैसे ही बहुत सारा सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारा एंजाइम नहीं चाहिए कम एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन में हमको क्या बताया गया है कि एंजाइम्स काम कैसे करता है हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए कैसा होता है स्पेसिफिक होता है सो ईच एंजाइम एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स ओके रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन में क्या बताया गया है कि अगर आपके एंजाइम को अगर आपके एंजाइम को एक स्पेसिफिक पीएच नहीं मिला उसका ऑप्टिमम पीएच नहीं मिला तो आपके एंजाइम का एक्टिविटी स्टॉप भी हो सकता है या एंजाइम डिग्रेड भी हो सकती है सो so, आपके एंजाइम का एक प्रॉपर टेम्परेचर और एक प्रॉपर पी मिलना बहुत ज़रूरी है जैसे आपके स्टमक के अंदर जो एंजाइम बनता है पेप्सिन ये एंजाइम एसिडिक पी पे काम करता है क्योंकि स्टमक में एच होता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम बनता है ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन ट्रिप्सिन का पीएच 9.5 होना चाहिए क्योंकि डुअडेनम में एसिडिक कंडीशन नहीं होती है बेसिक कंडीशन होती है और स्टमक वाला जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में ही काम करेगा क्योंकि स्टमक में एच सी एल होता है सो so, तो दो तो अलग अलग टाइप के एन्जाइम्स उनका काम अलग अलग तरीके से होता है अगर आपने एंजाइम का टेम्परेचर बदला तो एंजाइम के एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखो आपको एंजाइम्स के नोमन क्लेचर के बारे में क्या बताया गया है हम एंजाइम को अलग अलग तरीके से बुलाते हैं लेकिन हमेशा याद रखो एंजाइम के सफिक्स में मतलब एंडिंग में हमेशा ए एस ई लगा हुआ होना चाहिए और ये कभी कभी उसके फंक्शन के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है जैसे हाइड्रोजन रिमूव करना है तो हाइड्रो डी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है तो कार्बोक्सीस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है तो डी कार्बोक्सिलेस ऑक्सीडेस ऐसे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं कुछ कुछ एंजाइम्स को हम उनके सोर्स से भी नाम देते हैं जैसे पपाया से एंजाइम बनाया इसलिए पैपेन पाइनएपल से एंजाइम बनाया या ब्रोमिलिशिय फैमिली से बनाया इसलिए ब्रोमिलेन सो तो उनके फैमिली के बेसिस पे भी उनको नाम दिया जाता है ओके लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है इंटरनेशनल कोड के हिसाब से क्या बोला गया है कि एंजाइम के नाम के एंडिंग में हमेशा ए एस सी होना चाहिए और एंजाइम का नाम दो लेटर दो वर्ड का होना चाहिए ओके पहला नाम उसके सबस्ट्रेट का जिसको वो ब्रेक डाउन करने वाला है और दूसरा नाम उस वो ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या रिमूव करेगा वो उसका होना चाहिए जैसे पायरुविक डिकार्बोक्सीज मतलब क्या होता है आपके पायरुविद शुगर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जा रहा है ये इस एंजाइम का मतलब है वैसे ही ग्लूटामेट पायरोवेट्स ट्रांसफर ट्रांसामिनेस का मतलब क्या होता है ग्लूटमिक एसिड में से एक अमीनो ग्रुप पायरोवेट अमीनो एसिड पे ऐड किया जा रहा है ट्रांसफर किया जा रहा है इसको बोलते हैं ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसामिनेस तो एंजाइम्स के नाम रखने के बहुत अलग अलग तरीके हैं आप उसके फैमिली के बेसिस पे रख सकते हो उसके फंक्शन के बेसिस पे रख सकते हो एंजाइम के सिक्स क्लासीफिकेशन है ये सिक्स क्लासीफिकेशन को याद रखने के लिए आप ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो ऑन टॉप ऑफ हिल या ओवर द हिल ठीक है ऑन uh, टॉप एक मिनट रुको हिल ओके okay. हाँ सो so, ओ से क्या आता है ओ से आपका आता है ये देखो से आपका आता है रिडक्टेज जिसमें हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है टी से आपका आता है ट्रांसफरेज एच से आता है हाइड्रोलेज आई से आता है आइसोमरेज एल से आता है लाइज और एल से आता है लाइगेज तो ऐसे सिक्स अलग अलग एंजाइम्स का नाम इस फ्रेज से आप याद रख सकते हो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम का काम क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना यानी रिमूवल ऑफ

यह आपका इथेनॉल ग्रुप है इधर से हमने क्या किया एक हाइड्रोजन निकाल के उसको एनएडी के साथ ऐड कर दिया तो या तो ऑक्सीजन निकाल सकते हो या तो हाइड्रोजन निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकते हो फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में क्या होता है कोई एक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होता है इधर पे एटीपी का फॉस्फरस हमने शुगर में ट्रांसफर कर दिया सो ये हो गया ट्रांसफर नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है हाइड्रोलेस हाइड्रोलेस मतलब क्या होता है वाटर के प्रेजेंस में जो एंजाइम होता है और लाइज मतलब क्या होता है लाइज मतलब जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको दो कंपाउंड ब्रेक होके मिलते हैं और इसमें आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है दैट इज लाइज आइसोमरीज में क्या होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाता है इधर पे भी सी सिक्स एच ट्व सिक्स है इधर पे भी सी सिक्स एच टूल्व वो सिक्स है लेकिन इधर पे आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और इधर पे आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमरेजिज लाइगेजेस या सिंथेटिस का, का काम क्या होता है किसी भी अलग अलग कंपाउंड को एक साथ ज्वाइन करना लाइगेज का मतलब क्या होता है ज्वाइन करना तो so, इधर पे देखो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके इसके साथ बाइंड होने वाला है सो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हम जॉइन कर रहे हैं सो so, उसके लिए हमको लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एंजाइम मैकेनिज्म दो टाइप से होता है एक लॉक एंड की मेथड और एक इंड्यूस फिट मेथड लॉक इन की मॉडल में क्या होता है देखो आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है ये अपना एंजाइम है ये अपना सबस्ट्रेट है सब्सट्रेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है लेकिन इसको एक्टिविटी करने के लिए वी नो दैट एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक एंजाइम कैसे होते हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं वो अपने सब्सट्रेट को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं ठीक है सो लॉकन की मेथड में क्या होता है एकदम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहेगा तो ही एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा अगर इधर पे कोई दूसरा सबस्ट्रेट आया ऐसा तो ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेथड होता है ले और ये मेथड किसने दिया था एमिल फिशर ने दिया था लेकिन इसके बाद हमको कॉशलैंड ने एक नया मेथड दिया इंड्यूस फिट मेथड ये थोड़ा सा फ्लेक्सीबल मेथड होता है ये एंजाइम के साइज के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करता है सॉरी सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है सो so, इसको बोलते हैं इंड्यूस फिट या फ्लेक्सिबल मॉडल जिसमें स्ट्रक्चर के सबस्ट्रेट के हिसाब से एंजाइम का स्ट्रक्चर बदलता है और ये ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ये ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना पॉसिबल है ठीक है ओके okay, अब इधर पे देखो आपको आगे क्या बताया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में आपको क्या देखना है कि कौन से कौन से फैक्टर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ता है सबसे पहला फैक्टर कौन सा है कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जरा भी कम ज्यादा हुआ तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो सकती है इधर पे आपको क्या याद रखना है ये जो के एम होता है के एम मतलब क्या होता है माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट के एम मतलब क्या होता है माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है समझो यह आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है या आपका एंजाइम का वेलोसिटी है आप जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका एंजाइम काम करना स्टार्ट करेगी तो जो टोटल स्पीड होती है जो टोटल स्पीड होती है उसकी जो हाफ स्पीड है ये हाफ स्पीड आपको कितने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में मिल रही है इस वैल्यू को हम बोलते हैं के एम मतलब एंजाइम के हाफ स्पीड का वैल्यू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को हम बोलते हैं के एम वैल्यू तो के एम मतलब माइकलस मेंटेन कॉन्स्टेंट और ये जो हाफ स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको हम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी देखो के एम मीन माइकलस मेन्टेन कॉन्स्टेंट कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका एंजाइम का हाफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा उसको हम बोलते हैं केएम वैल्यू अगर आपकी केएम वैल्यू लो है मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सो so, अगर के एम वैल्यू लो है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन है अगर के एम वैल्यू हाई है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में वीक अट्रैक्शन है क्योंकि आपका सबस्ट्रेट आप बढ़ाते ही जा रहे हो लेकिन एंजाइम का एक्टिविटी फास्ट ही नहीं हो रहा है इधर पे आपका के एम वैल्यू मिला सो so, दोनों के एम वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है समझ में आ रही है बात तो के एम वैल्यू अगर लो है मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के एम वैल्यू अगर हाई है मतलब वीक अट्रैक्शन समझ में आया सबको इधर तक ओके okay. फिर बारी आती है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की तो ये जो माइकलिस मेंटेन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये टोटली डिपेंड करता है आपके सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है फिर इसके बाद आता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आप जैसे जैसे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे आपका रिएक्टिविटी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा बिकॉज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ओके फिर बारी आती है टेम्परेचर की अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो आपके एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डी नेचर हो जाएंगे कम कर दिया तो इनएक्टिव हो जाएंगे आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मैनेज करके रखना पड़ता है ताकि एंजाइम्स एकदम से डीजनरेट भी ना हो जाए और एकदम से इनएक्टिव भी ना हो जाए सो यू हैव टू मेनटेन द टेम्परेचर सिमिलर थिंग इज विथ पीएच पीएच भी एक ऑप्टिमम रखना पड़ेगा लो पीएच या हाई पीएच रखोगे तो एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी अदर सब्सटेंसेस में आते हैं अदर सब्सटेंसेस मतलब को एन्जाइम को फैक्टर्स एक्टिवेटर्स इनकी भी जरूरत पड़ती है एंजाइम को टाइम टू टाइम एक्टिवेट और इनहिबिट करने के लिए कौन सा एंजाइम कब एक्टिवेट होना चाहिए कब इनहिबिट होना चाहिए वो सब भी हमको ध्यान में देना पड़ता है फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करते हो तो आपको सिंपल प्रोडक्ट मिलता है ये सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो देखो इधर पे क्या बोला गया है एक होता है वाला पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है सिंथेसिस वाला पाथवे मतलब, मतलब समझो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इसको आपने ब्रेकडाउन करके सिंपल बनाया इसको आपने ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाया और अब इस सिंपल मॉलिक्यूल से आप नया कुछ बनाने जा रहे हो तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और ये जो नया मोलिक्यूल हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म इसको हम क्या बोलते हैं एनाबोलिज्म ओके अब इसके आगे आपको क्या दिया गया है मेटाबॉलिक पूल के बारे में बताया गया है कि कभी कभी जब हम इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ हमको बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जो मेन प्रोडक्ट नहीं है लेकिन जिसका हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेप साइकिल में जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स से हम एनर्जी ऑप्टेन करते हैं एटीपी ऑप्टेन करते हैं और बहुत कुछ यूज होता है इससे ओके ऑल राइट right, ये देखो ये आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन का कंक्लूजन है या आपके एनाबॉलिक रिएक्शन का कंक्लूजन है कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके एनर्जी मिलती है लिपिड ब्रेकडाउन करोगे तो ग्लिसरॉल ग्लिस्ट्रॉल मिलेगा ग्लिस्ट्रॉ ब्रेकडाउन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी तो इसी तरीके से जब हम ब्रेकडाउन करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है दिस इज़ एनर्जी इल्डिंग मैकेानिज्म ये कौन सा मकैनिज़म है एनर्जी ईल्डिंग मकानिज्म है लेकिन एनाबोलिज्म के टाइम पर हमको एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है सो दिस इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेानिज़म ये डिफरेंस आपको याद रखना है एनाबोलिक पाथवे कैसा होता है एनाबोलिक पाथवे इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग मकानिज्म सो एनर्जी ईल्डिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग में बहुत फ़र्क होता है ओके okay? फिर बारी आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या होते हैं जो मेन प्रोडक्ट नहीं है लेकिन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं जैसे तीन एग्जाम्पल्स है तीन कैटेगरीज है टर्पींस फिनोलिक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कम्पाउंडस टर्पींस को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इस मेवालोनिक एसिड से ये बन सकता है फिनोलिक्स को फिनॉल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कम्पाउंड से हम बहुत सारे मेडिसिन और बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है और इससे हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज़ करके हम अलग अलग बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं मॉर्फिन जैसे ड्रग का यूज़ इन्वेशन आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ही मिला था पैपेवर सोमनी करके जो प्लांट है टेंथ में पढ़ा था हमने ह्यूमन हेल्थ एंड सॉरी ट्वेल्थ में पढ़ा था हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में पैपेवर सोमनीफेरम जो होता है ये मॉर्फिन प्रोड्यूस करता है जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है ऑपरेशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे अल्कोइड्स वगैरह ये भी आपको रिक्रिएशन या आपकी बॉडी को रीअनर्जाइज करने के लिए यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट से नए नए फ्लेवर्स मिलते हैं हम उससे अपने फूड और वेजिटेबल्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं हम प्रिजर्वेशन के जैसे यूज़ कर सकते हैं टेस्ट इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारे उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सो so, इसी तरीके से आई होप आपको ये चैप्टर का वन शॉट समझ में आया होगा अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इसका डिटेल वीडियो देखिए डिटेल वीडियो देखोगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि वन शॉट का मतलब होता है क्विक रिवीजन और क्विक रिवीजन करने के लिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ेंगे तो उतना टाइम वेस्ट हो जाता है सो so, इसको वन शॉट के जैसा ही देखो रिविजन करो और असाइनमेंट सॉल्व करो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू स्टेट यून सी यू सर